मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम UPPGT 2021 जो 17 तारीख यानी आज अभी मॉर्निंग में पेपर हुआ है उसको यहां पर हम सॉल्व करेंगे। और यहां पर जो आपके आंसर बताए जाएंगे वो मेरे द्वारा बताए गए आंसर रहेंगे, वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आपको विद इन 1 वीक मिल जाएगी, जहाँ तक है विद इन 1 वीक में वो आ जाएगी। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑथेंटिक है लेकिन ऑफिशियल नहीं कह सकते हैं उनको। अगर आपको ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करना चाहते हैं तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आगे प्रोवाइड किए जाए आंसर तो आप कमेंट करें, हम आगे भी आंसर्स को प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो थोड़ा सा उसके आंसर को लेकर कन्फ्यूज़न है, इसीलिए मैं उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि सीरीज़ बी सीरीज़ है, तो जिनका बी सीरीज़ है उनको सीरियल वाइज मिल जाएगा, जिनका नहीं है उनको देखना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन उनके बुकलेट में किस क्वेश्चन नंबर पे है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य दोनों ही प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों के बारे में अवगत नहीं है तो इसे कहा जाता है, तो इसे हम डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रयोज्य है, जो सब्जेक्ट है, उसको भी नहीं पता है कि क्या रिसर्च हो रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और जो रिसर्चर है उसको भी नहीं पता है, तो इसीलिए इसे हम डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अचीवमेंट मोटिवेशन इज, तो जहाँ तक मेरे आंसर की बात है तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, पार्सली कॉग्निटिव एंड पार्सली मैकेनिस्टिक। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता विकारों के निदान एवं चिकित्सा से निपटती है? तो इसका सिंपल आंसर है क्लिनिकल फील्ड जो है साइकोलॉजी का, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका यहाँ पर नो डाउट ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक चयन कार्यक्रम की जांच पड़ताल --- के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, कार्यक्रम की पूर्व कथन शुद्धता के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी परिस्थिति समूह तनाव के लिए स्थायित्व में योगदान देती है? कौन सी परिस्थिति समूह तनाव के स्थायित्व में योगदान देती है? तो यहाँ पर जो आपका विश्वास कि दूसरा समूह अधिक सुविधा में है, अगर आपको ये विश्वास हो कि सामने वाला अधिक सुविधा में हो है तो आपको लगातार टेंशन बना ही रहेगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मगत संवेगात्मक अनुभव वास्तव में शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है, मतलब जो आपका सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस है वो किसका परिणाम होता है? शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है। तो ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? जेम्स लैंग से। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं फिर हमें उसका अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अवधान के निषेधक छीड़न सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो फिल्टर थ्योरी थी वो तो दिया गया था ब्राडवेट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? अवधान के निषेधक छीड़न सिद्धांत की। तो ये बाद में फिल्टर थ्योरी पर ही काम करके इन्होंने ट्राइसमैन ने ये सिद्धांत दिया था। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जैविक सामाजिक परिभाषा व्यक्तित्व को के समान मानती है, यह व्यक्ति के द्वारा समायोजन के लिए किए गए प्रयासों के समान मानती है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। लघुकालिक स्मृति की सूचना दीर्घकालिक स्मृति में से प्रविष्ट करती है, तो ये आपका एलिबोरेटिव रिहर्सल यानी सुविस्तृत पूर्वाभ्यास से प्रविष्ट करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रयोगात्मक अध्ययनों पर आधारित नहीं है? तो जो आपका साइकोलिटिक अप्रोच होता है ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पर नहीं बेस्ड होता है, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है,
किसके कार्य के आधार पर बुद्धि का कारक सिद्धांत उपागम विकसित हुआ? तो स्पीयरमैन के कार्य के आधार पर यह विकसित हुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति के अंतर को दर्शाता है? तो जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसका आंसर सोर्स मॉनिटरिंग होगा। मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, बट सोर्स मॉनिटरिंग होना चाहिए, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसके लिए आपका आकृति पृष्ठभूमि को पृथक करने के बाद भी उसी आकृति पृष्ठभूमि के प्रत्यक्षीकरण के लिए किस शब्द का उपयोग होगा? मतलब एक बार आपने देखा कि फिगर जो है वो ग्राउंड बन चुका है, ग्राउंड जो है फिगर बन चुका है, लेकिन फिर भी आपको पहले की तरह ही वो दिख रहा है फिगर, और ग्राउंड भी पहले की तरह ही दिख रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका फिगरल कॉन्स्टेंसी का, मतलब आकृति स्थैर्य का एग्जाम्पल है, कि आपके दिमाग में उसकी छवि बन चुकी है और वो बदल नहीं रही है। जैसे क्या है कि अगर कोई पर्सन है वो आपके सामने है तो वो 6 फीट का है, और अगर वो आपसे 200-300 मीटर की दूरी पर चला जाता है तो जो रेटिना पर इमेज बनता है वो छोटा बनने लगता है, लेकिन आपको फिर भी पता रहता है कि वो 6 फीट का ही, क्योंकि आपको उस आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन पहले से पहुंच चुकी है। तो ये फिगरल कॉन्स्टेंसी या आकृति स्थैर्य कहलाता है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संवेग के कैनन बार्ड सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो जो कैनन बार्ड सिद्धांत था उसमें इन्होंने बताया था कि शारीरिक परिवर्तन और संवेगात्मक अनुभव दोनों एक साथ घटित होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, एक शिकारी नैमित्तिक सार्थकता की अनुपस्थिति में भी निरंतर शिकार करता रहता है, यह कथन किसका उदाहरण है? तो ये कथन, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर दो ऑप्शंस को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, या तो यहाँ पर प्राचीन अंतर्नोद होगा या फिर आपका जैविक लक्ष्य होगा, प्रिमिटिव ड्राइव बायोलॉजिकल गोल, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जिनमें इंसेंटिव ना मिलने के बाद भी पर्सन बार बार प्रयास करता रहता है। जैसे अगर आपको भूख लगा हो तो आप एक प्रयास करते हैं, आपको भोजन नहीं मिला, फिर भी आप दोबारा प्रयास करते रहते हैं, तिबारा प्रयास करते रहते हैं, तो इसीलिए जो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर प्रिमिटिव ड्राइव या बायोलॉजिकल गोल्स हो सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ दूसरा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए और रिसर्च करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाए तो आप नीचे कमेंट करें।